खबर अल्मोड़ा से है, जहां पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हरियाणा मार्ग वाहन से 258 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत करीब 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि जनपद में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। कल एसओजी और थाना कोतवाली की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 258 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जो कि एक वाहन में कार में लेके जाया जा रहा था। और इसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि एक नजफगढ़ का रहने वाला बंदा है और एक सोनीपत का रहने वाला है। और जो 258 बोतल है, इनका दाम जो मार्केट में है 1,42,000 रुपये है। इसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा जाए।